आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को 30,000 कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्हें शनिवार दोपहर को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद शाम 4:15 पर अरेस्ट कर लिया गया। 30,000 कोर्ट में उन्होंने अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि विभव के फोन को मुंबई में फॉर्मेट किया गया है। फोन फॉर्मेट करने से पहले डेटा क्लोन किया जाता है, इसीलिए विभव को मुंबई लेकर जाना होगा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपने फोन का पासवर्ड भी नहीं दिया है, इसीलिए मोबाइल ओपन करने के लिए एक्सपर्ट को देना होगा। बिना विभव की मौजूदगी के ये संभव ही नहीं है। महिला सांसद को पीटने की क्या वजह थी, ये पता लगाने के लिए भी हिरासत जरूरी है। विभव कुमार के वकील राजीव मोहन ने कहा, मोबाइल को फॉर्मेट की बात सही भी है तो भी उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। शिकायत में कहीं ये नहीं कहा गया कि विभव व्हाट्सएप या कॉल करके बुलाते या धमकी देते थे। जहां तक पासवर्ड की बात है तो एप्पल कभी अपने उपभोक्ता के मोबाइल का पासवर्ड नहीं देता। ये गिरफ्तारी ही जस्टिफाई नहीं है। पुलिस हिरासत का तो सवाल ही नहीं उठता। गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद था कि अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कराया जा सके। जल्दबाजी में गिरफ्तारी की गई, FIR की कॉपी भी नहीं दी गई, जबकि पूरे मीडिया में है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल बिना पूर्व अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। वो अपनी मर्जी से वहां पहुंची थी। वो अब ये भी बताए कि इससे पहले कब बिना अपॉइंटमेंट के CM से मिलने गई थी। इनका CM आवास पर जाने का मकसद क्या था? मीडिया में स्वाति के मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने का वीडियो चल रहा है, उसमें वो शर्ट नहीं कुर्ती पहने हैं, लिहाजा बटन खुलने या टूटने की बात भी सही नहीं है। वकील राजीव मोहन ने कोर्ट में कहा कि स्वाति मालीवाल के सिर को सेंट्रल टेबल पर मारने की बात भी सही नहीं है, उनके सिर पर चोट नहीं दिख रही। दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। FIR 3 दिन तक दर्ज न कर पाने के पीछे क्या बाधा थी? उसी दिन मेडिकल जांच क्यों नहीं कराई? इतनी ही चोट लगी थी तो उसी दिन प्राथमिक उपचार के लिए क्यों नहीं गई? 112 की कॉल पर दिल्ली पुलिस तुरंत रिस्पांस करती है। पुलिस को कॉल पर जो बताया गया उस पर तुरंत FIR क्यों दर्ज नहीं कराई गई? इतना ही नहीं, मेडिकल हेल्प भी नहीं मांगी गई। इससे पहले 30,000 कोर्ट में विभव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुष त्यागी ने कहा कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि विभव को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसे में उनके अंतरिम जमानत पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। विभव के वकील N. हरिहरन ने कहा कि उनके मुवक्किल को गिरफ्तारी से पहले CRPC की धारा 41 के तहत नोटिस नहीं दिया गया था। वकील N. हरिहरन ने स्वाति की तरफ से दर्ज कराई गई FIR पढ़कर कोर्ट को सुनाई। इस दौरान वरिष्ठ वकील राजीव मोहन भी विभव की पैरवी करने कोर्ट में पहुंचे। उन्होंने दलील दी कि CM आवास पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा। स्वाति के आरोप समझ से परे हैं। विभव किसी के साथ ऐसी मारपीट क्यों करना शुरू कर देगा? वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। अगर वाकई मारपीट हुई होती तो वो चिल्लाती, कोई ना कोई जरूर सुनता। उन्होंने कोर्ट में कहा कि CM से मुलाकात के लिए पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है, लेकिन स्वाति मालीवाल सीधे उनके आवास पर पहुंच गई। ये तो सीधा CM की सुरक्षा में सेंध है। वकीलों की ओर से कोर्ट को कुछ वीडियो क्लिप भी दिखाए गए, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि मालीवाल के साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इसमें स्वाति सोफे पर बैठी नजर आ रही हैं। उस समय तक वो पुलिस को 112 पर कॉल कर चुकी थी। इसके बाद कोर्ट में विभव कुमार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई तो जज सुशील अनुज त्यागी ने कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना इस मामले में कोई भी राह देना संभव नहीं है। दिल्ली पुलिस के वकील ने भी कहा कि बिना जांच अधिकारी का जवाब आए कोर्ट को कोई राह देने का फैसला नहीं लेना चाहिए। विभव की तरफ से एक तरफा तस्वीर पेश की गई, हालांकि इसके बावजूद विभव के वकीलों की तरफ से उनके लगातार जमानत की मांग की गई।